दोस्तों, जैसा कि आप हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, सामने ओपन है एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, ओन अकाउंट। दोस्तों, इस ऑप्शन को कैसे यूज किया जाता है, कैसे ऑन ऑफ किया जाता है, अगर आपके यहां पर ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो कैसे ऑन किया जाए, ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में, पिछली वीडियो में बताया था। आप उस वीडियो को अच्छे से समझ लें और फिर ये हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है आज, इसके अंदर आपको बताएंगे न्यू रेफरेंस क्या यूज है, न्यू रेफरेंस का कैसे इस्तेमाल किया जाता है और कैसे अपने इनवॉइस को, अपनी पेमेंट को इजिली एंटर कर सकते हैं। दोस्तों, कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, इससे होगा क्या, या तो आपका लक्ष्य आपको अचीव होगा या फिर अनुभव। स्वागत है दोस्तों, मैं नरेश कुमार, आप देख रहे हैं अकाउंट टैक्स गुरु, देश का चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं कंपनीज के अकाउंट्स एंड टैक्सेशन कार्य प्रणाली सिस्टम के बारे में बड़ी आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। दोस्तों, हमने ये एक सेल का इनवॉइस ओपन किया हुआ है, इस सेल के इनवॉइस में हमने बिल नंबर डाला हुआ है। जब भी आप अपने सेल का इनवॉइस एंटर करते हैं तो यहां पर आप अपना इनवॉइस नंबर लिखते हैं, रेफरेंस नंबर लिखते हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में कि जो आपने अपना इनवॉइस नंबर लिया है ना, ये समझ लीजिए इनवॉइस नंबर लिया है या ऊपर आपने कोई भी डिजिट टाइप की हुई है, ठीक है। जब आपने टाइप किया और सारा बिल आपने, डेट वगैरह डाली, रेफरेंस नंबर, पार्टी का नाम, यह सब कुछ डाल लिया आपने, डालने के बाद पूरी डिटेल, एड्रेस वगैरह सब फिल कर लिया, आइटम वगैरह जो भी आपने लेनी थी वो ले ली, जीएसटी वगैरह सब लगा लिया, अब इनवॉइस वैल्यू पर आ गए आप। जैसे इनवॉइस वैल्यू पर आए, आपने ये जिस भी पार्टी को सेल का बिल दिया है, जैसे एग्जांपल के तौर पर यहां रेपोटेक्स इंडिया कंपनी लिखी हुई है, आपने इस पार्टी को एक इनवॉइस इशू किया और जैसे आपने उसे एक इनवॉइस इशू किया, यहां पर लिखा आ गया, मतलब इनवॉइस वैल्यू के बाद यहां पर एंटर करते ही एक ऑप्शन पूछा गया, न्यू रेफरेंस। मतलब कहने का यह है कि हम इस इनवॉइस को एक न्यू रेफरेंस दे देंगे और न्यू रेफरेंस में इसका वही नंबर आएगा जो ऊपर यहां पर लिखा हुआ है, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, देखिए क्या है कि अगर आप इसे एक रेफरेंस नंबर दे देते हैं तो कल को जब हमें यह ट्रैक करना होगा कि हमने ये सेल किस पार्टी को दिया है, ठीक है, या कभी कोई पार्टी सामान वापस करने आ जाती है, ठीक है, तो हमें पता रहेगा कि ये, मतलब कि इसका इनवॉइस नंबर क्या है, रेफरेंस नंबर क्या है, ठीक है। हम उससे पूछ सकते हैं, वो कोई आइटम ले आते हैं, जी ये आइटम हमारी खराब हो गई है या ठीक नहीं आई या जो चीज हमें चाहिए थी वो नहीं मिली, वो हमें वापस करने आता है, तो हम उससे पूछते हैं कि जी ये आपका जो रेफरेंस नंबर था, इनवॉइस नंबर था, वो क्या था, इनवॉइस नंबर बताइए, तो अपना इनवॉइस नंबर बताता है तो हम मैच कर लेते हैं कि हाँ ये इनवॉइस नंबर है, बिल्कुल ठीक है, मैच। या फिर कई बार क्या होता है कि हमें ना कुछ स्कीम्स वगैरह देनी होती हैं, बहुत चलता है ये मार्केट में, इंडस्ट्री के अंदर हमें स्कीम देनी होती है। अब स्कीम में क्या होता है, स्कीम में ये होता है कि भाई हमने एक न्यू रेफरेंस नंबर डाल के दे दिया, ठीक है, और उसके बाद वो कहता है जी जो आपने मेरे को न्यू रेफरेंस नंबर ये इनवॉइस दिया था, इस ये रेफरेंस नंबर का जो इनवॉइस दिया था, एक नंबर इनवॉइस ये वाला, मैंने इस इनवॉइस में जो भी माल था उस सभी की पेमेंट आपको कर दी है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि भाई ना, इसकी तो पेमेंट नहीं करी आपने। वो कहता है जो इनवॉइस आपने मेरे को दिया था वो 2499 का था, उसकी पेमेंट मैंने सारी आपकी कर दी है, हमारा हिसाब किताब नील। मैंने कहा नहीं की है, क्योंकि आपके चार इनवॉइस बनाए गए थे, ठीक है, उनमें से आपने पेमेंट जरूर दी है लेकिन इस इनवॉइस की पेमेंट नहीं दी। आपने कहा कि जी लॉकडाउन था, आपने कहा लॉकडाउन था, आप मुझे नया माल दे दीजिए। हमने कहा ठीक है ये लो। आपने कहा जी जो लॉकडाउन से पहले के जितने इनवॉइस है ना, जैसे रेफरेंस नंबर ये, रेफरेंस नंबर ये, रेफरेंस नंबर ये, ठीक है, उसकी पेमेंट हम बाद में करेंगे, अभी जो बिजनेस है वो स्लो चल रहा है, काम बहुत मंदा है, ठीक है, पैसा आ नहीं रहा, तो आप क्या कीजिए जो आज आप मुझे नया बिल बनाएंगे आप उसकी पेमेंट तो हाथों हाथ ले लीजिए। तो जब वो हमें पेमेंट देगा तो हम वो पेमेंट इस बिल के अगेंस्ट ना लेकर के, इस रेफरेंस नंबर के अगेंस्ट ना लेकर के, जो वो माल खरीदेगा उसके अगेंस्ट देंगे। तो इससे क्या है कि हर बिल को एक न्यू यूनिक नंबर मिल जाएगा, रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, जिससे क्या है कि सामने वाला जब हमें कोई पेमेंट दे रहा है तो हमें पता रहेगा कि वो किस रेफरेंस नंबर के अगेंस्ट दे रहा है, ठीक है जी।
और अगर कोई स्कीम वगैरह हम देना चाहते हैं तो हम उसको बता देंगे कि आपको इस रेफरेंस नंबर के अगेंस्ट, इस बिल नंबर के अगेंस्ट आपको ये स्कीम दी जा रही है। तो इसलिए न्यू रेफरेंस नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितने भी आगे पेमेंटें आएंगी, जो भी हिसाब किताब किया जाएगा, इसी रेफरेंस नंबर के अगेंस्ट किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब भी हमें इस रेफरेंस नंबर के अगेंस्ट कोई उधार माल दिया है, जैसे ये रेफरेंस नंबर हमने बनाया है, ये माल उसे दिया, तो हमने बता दिया कि भाई ये रेफरेंस नंबर जो आपको दिया गया है, एक नंबर बिल, ये हमने आपको उधार में दिया है, ठीक है, और इसकी पेमेंट हमें इतने दिन के अंदर चाहिए। और इस रेफरेंस नंबर का एक क्रेडिट पीरियड भी सेट कर सकते हैं कि भाई इस रेफरेंस नंबर का आप जो पेमेंट है वो 7 दिन के अंदर आपको देनी होगी, तो हम आपको एक स्कीम देंगे, और नहीं दोगे तो स्कीम कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो दूसरा रेफरेंस नंबर मिलेगा उसके अगेंस्ट अलग स्कीम देंगे, ठीक है। तीसरा रेफरेंस नंबर मिलेगा उसके अगेंस्ट अलग स्कीम देंगे, तो हर रेफरेंस नंबर के अगेंस्ट एक अलग अलग स्कीम मिलेगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हर इनवॉइस को एक रेफरेंस नंबर दिया जाए, ताकि हम ये ट्रैक कर सकें कि कौन से रेफरेंस नंबर में कौन सी स्कीम दी गई थी। दोस्तों आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द, आगे न्यू रेफरेंस के बाद उसका आगे फर्दर क्या यूज है, कैसे न्यू रेफरेंस के अगेंस्ट हम पेमेंट ले सकते हैं, ठीक है, तो एडवांस पेमेंट ले सकते हैं, इन सभी विषय पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत 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 पसंद आई होगी, और मुझे पूरा विश्वास है आपने वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दिया होगा। जो नए दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं ना, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन को हिट कर दिया होगा। इससे होगा क्या, जब भी हमारी कोई नई वीडियोज आएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर, आपके अपने यूट्यूब ब्राउजर में वो वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपना कीमती समय देने के लिए, अपना प्रेम प्यार बनाए रखने के लिए, आप सभी लोगों का तहे दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।